हेलो व्यूवर्स, एंजल जिंदगी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी हमें कैसे जम्मू कश्मीर जाना है। ये हमारा पार्ट वन है। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग साहेबगंज से वैष्णो देवी गए थे, उसके लिए साहेबगंज स्टेशन से हमने दिल्ली टी ट्रेन पकड़ा। हम लोग ट्रेन पकड़ा, ये हमारा वो प्लेस हुई थी। उसके बाद हम लोग वहाँ पर मॉर्निंग में पहुँच गए दिल्ली, और उसके बाद हम लोग दिल्ली स्टेशन होकर हम लोग शुरू कर दिया। हमारे पास एक दिन का पूरा समय था, तो हम लोग सोचे कि उसे वेस्ट क्यों करें, क्यों ना दिल्ली की सैर कर लिया जाए। वो बस वाले ने हमें सुबह से शाम तक घुमाया 5 जगह दिल्ली के। सबसे पहले हम लोगों को दिल्ली के लाल किला लेकर गया। पर हेड हमारा 400 से 500 चार्ज किए, और हमें सारे रास्ता की जानकारी देते गए। बहुत ही मज़ेदार रहा हमारा ये ट्रिप। उसके बाद हम लोग गए राजघाट, जहाँ पास गांधी जी की रखी हुई थी आबादी। हमने राजघाट भी बहुत खूबसूरत लगा, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। आप भी जाएँ और एक बार विजिट करें। मैं आपको दिखा रही हूँ राजघाट का व्यू। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे ट्रेवलिंग के वीडियो डाले हैं, आप देख सकते हैं। हमें मनाली कैसे गया उसके बारे में भी डाला है। उसके बाद हम लोग गए इंडिया गेट भी, हमारा इंडिया गेट का भी है। इंडिया गेट का भी व्यू बहुत ही खूबसूरत था, जो हम लोग टीवी और उसमें देखा करते थे। हम लोग सामने से देख रहे थे, हम सब फैमिली मेम्बर गए थे, हमने बहुत इंजॉय किया। ये ट्रिप बहुत ही मेमोरेबल रहा। अब हम लोग बस से जाने लगे जंतर मंतर। रास्ते में जितने भी मंत्री के घर पड़े, फ्लैग होस्टिंग होते हैं लाल किले, वो सब कुछ हम लोग को भैया बताते गए। जो हमारे ट्रेवल गाइडर थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे। उसके बाद ये हम लोग निरंतर मंदिर में गए, ये भी बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद लास्ट डे हम लोग लोटस टेम्पल में गए, ये लोटस टेम्पल का भी व्यू देख सकते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत था। कहीं भी जाने का हमें एंट्री पास नहीं लगा, बस जंतर मंतर में एक एंट्री पास लगा। हमारा शाम हो चुका था, और उसके बाद हमारे 7 बजे की ट्रेन भी थी, तो हम लोटस टेम्पल जल्दी जल्दी घूमे, और उसके बाद हम लोग बस से चले गए। सारी जगह पे भैया आपको आधा घंटा का टाइम देते हैं, 1 घंटा का टाइम देते हैं, जिसमें आप आराम से सब कुछ घूम सकते हो, पूरा फैमिली फ़ोटोज़ ले सकते हो। वैसा कुछ हड़बड़ नहीं होता, बस आप टाइम मैनेज करके चलना। अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने ट्रेन, अब हम लोग जम्मू के लिए निकल रहे हैं।